राजस्थान में टोंक का मतलब सचिन पायलट है, क्योंकि टोंक को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। अब टोंक से सचिन पायलट के पूर्व समर्थक और पूर्व विधायक रहे प्रशांत बेरवा के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व समर्थक इसलिए क्योंकि मानेसर जाने वाली घटना में प्रशांत भी सचिन पायलट के साथ शामिल थे, हालांकि वो वहां से वापस लौट आए थे। इसके बाद उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत बेरवा के परिवार की परेशानी कैसे बढ़ रही है? दरअसल खनिज विभाग ने बीते शनिवार पूर्व विधायक प्रशांत की मां आशालता बेरवा के नाम 25 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है, जिसमें सहायक अभियंता ने 3 पीठ में अवैध खनन का आरोप लगाया है। विभाग का कहना है कि आशालता बेरवा की फार्म के नाम से 1994 से 50 सालों की लीज पर संचालित खान में 3 पीठ से 1,90,11,438 मैट्रिक टन क्वार्ट्स का अवैध खनन किया जाना पाया गया है। बीते 4 महीनों से इस मामले में प्रक्रिया जारी है और अब टोंक के सहायक खनिज अभियंता ने 25,66,74,000 रुपए का नोटिस उनकी माता के नाम पर जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये राशि 1 महीने में जमा कराकर चालान की कॉपी कार्यालय में पेश करनी होगी। बताते चले कि करीब 4 महीने पहले जनवरी 2024 में खनिज विभाग की टीम ने बेहड़ की एक खान से क्वार्ट्ज फेल्डस्पार भर कर निकले 6 डंपरों को पकड़ा था। उस वक्त निवाई विधायक राम सहाय बेरवा ने पूर्व विधायक की खान में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग और सरकार तक अपनी बात रखी थी, जिसकी जांच हुई तो खनिज विभाग की टीम ने बेहड़ गांव में आशालता बेरवा के नाम से संचालित खान में निर्धारित क्षेत्र के बाहर से 3 पीट बनाकर 1,90,11,438 मैट्रिक टन क्वार्ट्ज का अवैध खनन होना पाया गया। इस मामले में 2 बार आशालता बेरवा को नोटिस जारी किए गए, जिन पर उन्होंने आपत्ति जताई। बताते चले कि राजस्थान में सरकार बदलते ही भजनलाल सरकार ने अवैध खनन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई टोंक में भी हुई, जिसके तार निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा के परिवार से आ जुड़े। जिन 6 डंपरों को पुलिस ने पकड़ा था, उनमें से 4 डंपर बिना रवन्ने के भरे गए पाए गए, जो कि निवाई से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा की मां के नाम से संचालित है। इसके बाद खनिज विभाग ने गिरफ्त में आए चालकों से मिली जानकारी के बाद कार्रवाई करते हुए बरौनी थाने में 6 FIR दर्ज करवाई। इनमें से 4 में पूर्व विधायक प्रशांत बेरवा का नाम भी अंकित कराया गया।